सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जी हाँ दोस्तों, एक दफो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जे कदे तवां के भी पेंजन बारन ला मैचिंग घर खपन त अजु ही कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दोस्त नहीं, झगड़े के चलते अपने दोस्त की पत्थर से हत्या करने की घटना सामने आई है और पुलिस ने इस हत्या के आरोपी को 72 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। 24 अप्रैल को बदलापुर पूर्व के ज्वेली तालपाड़ा परिसर में रोड के किनारे पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। किसी ने उसके सिर पर पत्थर से हमला किया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने इस हत्या की जांच शुरू की। पुलिस टीम की तरफ से मृतक का फोटो लेकर घटना स्थल के पास से जांच करते हुए पुलिस टीम को राजेश पाटोले नाम का व्यक्ति मिला, जो मृतक का परिजन है, और उन्होंने मृतक की पहचान प्रसाद दिगंबर जिंझूरकर कर हुई, जो पोद्दार एवरग्रीन कॉम्प्लेक्स सापे गांव बदलापुर पूर्व में रहता है। और राजेश पाटोले के शिकायत पर बदलापुर पूर्व पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। बदलापुर पूर्व पुलिस के पुलिस निरीक्षक क्राइम विक्रम सिंह कदम के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम जांच करने के लिए पोद्दार एवरग्रीन कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि सैमसुअल हक गुलाम करीम, जो इसी परिसर का रहवासी है, मृतक के साथ दारू पीने गया था और वहां मृतक और समसूल में झगड़ा भी हुआ था। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस समसूल को ढूंढना शुरू किया और पुलिस को पता चला कि समसूल आंध्र प्रदेश को भागने वाला है, जिसके बाद एक टीम को आंध्र प्रदेश भेजने की तैयारी शुरू की गई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी आंध्र प्रदेश जाने के लिए कल्याण स्टेशन पहुंचने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने वहां जाल बिछाकर आरोपी को दर दबोचा। आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन थाने सिटी के जुरिडिक्शन में मयत प्रसाद दिगंबर जिंजूर के की डेड बॉडी पाई गई। जब तहकीकात की गई तो उसका ही साथी शमसुल हक गुलाम करीम और मयत दोनों का तात्कालीन कारण के ऊपर झगड़ा हुआ और आपस में हाथापाई हुई और आरोपी ने प्रसाद पे सीरियस इंजरी करके उसका मर्डर कर दिया गया। आरोपी को अरेस्ट किया गया है, कल कोर्ट में हाजिर किया जाएगा और आगे की जो ही लीगल कार्रवाई है भी की जाएगी। तो आरोपी क्या काम करता था? आरोपी और मयत दोनों ही एक दूसरे को जानते थे और ये बिल्डिंग कलरिंग का काम या बिल्डिंग पेंटिंग का काम करते थे। सर, आरोपी की कुछ गुनहगारी पार्श्वभूमि है क्या? फिलहाल हुई तहकीकात से तो कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उसकी तहकीकात शुरू है, आगे मिलने की गुंजाइश है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।